आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पे मोसो गांव जो म्यांमार का है, वहाँ पे कत्लेआम हुआ है, मसाकर। 30 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। तो हम बात करेंगे इस खबर की। इससे पहले आपको बता दूं कि ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है और 1 जनवरी से हमारे प्राइजेस हाइक हो जाएंगे। अब NCERT इकोनॉमिक्स का नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, हिस्ट्री का कोर्स है, गवर्नेंस का कोर्स है, तो ये कोड आप यूज़ करिए। अभी एक्स्ट्रा 25% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, ठीक है। ये 31 दिसंबर तक रहेगा। इन नंबर्स पर कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। NCERT इकोनॉमिक्स का हमने शानदार कोर्स लॉन्च किया है और ये सब हम UPSC कोर्सेज में दे रहे हैं। EMI पे भी अवेलेबल है और मेरी पर्सनल गाइडेंस खुद रहती है। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम है, studyglows.com पे मिल जाएगी। तो सेव द चिल्ड्रेन, जो कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, ये बता रहे हैं कि इनके 2 स्टाफ मिसिंग है। अब यहां पे 30 लोगों को मार दिया गया। जगह है कैरेनी नेशनल डिफेंस ग्रुप। ये सबसे बड़ा 7 रेबेल ग्रुप जो है वो आर्मी से फाइट कर रहे हैं। म्यांमार की कहानी आपको पता ही है। म्यांमार में बहुत वक्त तक मिलिट्री शासन था, जुंटा पार्टी। फाइनली 8888 अपराइजिंग 8 सितंबर 1988 ये अपराइजिंग हुई। आंग सांग सू की, जो कि भारत से ही पड़ी है, उनको भागना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब मिलिट्री ने क्रैकडाउन करना शुरू किया तो सारे ऑपोजिशन लीडर्स को वो खत्म कर रहे थे। तो आंग सांग सू की निकली, इनको जेल में बंद कर दिया। मतलब ये यहां पे सारे ग्रुप जो थे, सारे ऑपोजिशन ग्रुप जो कि मिलिट्री को अपोज कर रहे थे, वो एक साथ आ गए। लेकिन भाई, हथियार के सामने कुछ चलता नहीं है। 2007 तक, 20 सालों तक इनको बंद रखा, हाउस अरेस्ट में थी ये। फिर फाइनली इनको रिलीज किया गया 2010 में, इलेक्शंस हुए और आंग सान सू की चुन के आ गई। बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी समझा रहा हूं, वैसे इनकी बायोग्राफी मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। म्यांमार पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। अब दोस्तों, 10 साल इनकी नेशनल डेमोक्रेसी लीग NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, भाई इनकी पार्टी जो है वो, देखिए हस्तक्षेप यहां पे मिलिट्री का बहुत ज्यादा था। भले ही म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन मिलिट्री जो है वो बहुत हस्तक्षेप कर रही थी। भाई रोहिंग्या का दमन हो रहा है, रोहिंग्या जेनोसाइड हो रहा है, और कई बार आंग सान सू की पे आरोप लगे कि इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जिसका डर था वही हुआ। इसी साल 2 फरवरी को तख्ता पलट हो गया। ऑंग हिलियांग ये जनरल हैं आर्मी के, जुंटा पार्टी मिलिट्री बैक्ड पार्टी है मिलिट्री के, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद फिर दमन शुरू हुआ। इस समय आंग सान सू की को 4 साल की जेल मिल गई है। बहुत ही फालतू के आरोप लगाए हैं इनके ऊपर कि इन्होंने साजिश की। क्या साजिश की? इन्होंने मास्क नहीं पहना, कोविड का उल्लंघन किया इन्होंने। इस तरीके के आलतू फालतू आरोप लगा के इनको 4 साल की सजा दे दी और सबको यहां पे मारा है। जो भी ऑपोजिशन लीडर था उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। तो अब रिबेल्स ग्रुप, भाई रिबेल्स ग्रुप खड़े हुए इनके खिलाफ। तो टोटल 7 रिबेल ग्रुप है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट KNLD है, ठीक है, KNLD। अब यहां पे दोस्तों ये बता रही है आर्मी कि भाई देखो, हम जा रहे थे, हमको ये खबर मिली कि इसी ग्रुप के आतंकवादी, ये इनको आतंकवादी बोलते हैं, इस ट्रक में सवार है और इन्होंने जला दी, ट्रक को जला दी। परसों ही मैं मूवी देख रहा था, वैसे मुझे मूवीज देखने का इतना टाइम मिलता नहीं है, परसों मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला तो मैंने देखी थी जॉन रैम्बो, 2009 की मूवी है। उसमें म्यांमार की कंडीशन दिखाई है कि कैसे म्यांमार कत्लेआम करता है। और आप वो मूवी देखिएगा, जैसे हो रहा है ना उसमें वैसे ही ये लोग मारते हैं, लूट खसोट बलात्कार सब, क्योंकि आर्मी है, वो जो चाहे वो करेगी। तो ऐसा है कि 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया, गोली मारी, जला दिया, पूरी ट्रक जला दी। अब इसमें बच्चे भी थे, पता कैसे चला? क्योंकि जब इनकी बॉडीज देखी, जब इनके कंकाल निकले तो अलग अलग साइज के थे, कोई लंबा कोई बहुत छोटा। तो यह पता चल गया कि भाई इसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे जो कि इनोसेंट थे। तो म्यांमार में यह हत्याकांड जो है वो चलाया है। अब बहुत सारी NGOs काम करती हैं, आप उन पे हाथ नहीं उठा सकते, बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते, वरना फिर देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी बैंड बज जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि अफ्रीकन नेशन में ये, जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो ग्रुप है, डिस्कवरी चैनल, ये सब अपना काम करते हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि उनको पता है इनको हाथ लगाएंगे तो हम मुसीबत मोल लेंगे। अब यहां पे जो सेव द चिल्ड्रेन NGO थी, इसके 2 स्टाफ मेंबर मिसिंग है।
ये 30 लोगों को, अब सब लोग इसको कंडेम कर रहे कि भाई बहुत ब्रूटल, बहुत खराब हुआ, लेकिन ये जो 30 लोगों को मारा, भाई इसमें इनके दो स्टाफ जो हैं वो मिसिंग है। तो यहां पे बोला कि टू ऑफ इट्स स्टाफ हु हैड बीन ट्रैवलिंग होम, भाई घर जा रहे थे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देके, यही लोग काम कर रहे हैं एनजीओ म्यांमार में काम कर रहा है। अच्छा, ये जो लोग थे जिन लोगों को मारा है, आर्मी कह रही है ये टेररिस्ट थे, लेकिन लोगों का कहना है भाई ये लोग रेफ्यूजीज थे, ये कैंप में जा रहे थे, वेस्टर्न कैंप में जा रहे थे, ठीक है, वहां पे एक बार आप पहुंच जाए तो आर्मी आपको हाथ नहीं लगा सकती, और बीच में ही इनको उठा के मार दिया गया। तो अब ये सब इंसानियत का काम करके जा रहे थे, तभी ये जो इंसिडेंट हुआ ईस्टर्न मोसो विलेज, ये फंस गए, और ये फंस गए तो ये भी मरी गए होंगे या मिसिंग है, पता नहीं इनका क्या हुआ है। अब ग्रुप ने बोला है कि भाई पूरी की पूरी कंफर्मेशन है कि प्राइवेट व्हीकल, इनके प्राइवेट व्हीकल को अटैक किया और जला दिया, खत्म। यानी कि यहां पे अब एनजीओ को भी अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया है। उसके बाद जब फोटोज लीक हुई, मैं आपको फोटोज, भाई क्रिसमस बताइए, क्रिसमस ईव पे ये हुआ, जीसस ने शांति का मैसेज फैलाया था पूरी दुनिया में। कल ब्राजील में भी ऐसी घटना हुई है, वहां पे भी फायर ओपन किया, अभी मैंने पूरी न्यूज पढ़ी नहीं है लेकिन हेडलाइंस पढ़ी थी मैंने, तो वहां पे भी 5 लोगों को मारा गया है, ठीक है। तो क्रिसमस ईव पे सेलिब्रेशन चल रहा था और क्रिसमस मसाकर हुआ, ये 25 दिसंबर कल शाम को इनको मार दिया गया। बताइए, अब ये रूसो टाउन है, ठीक है, ये टाउन है, ठीक है, इसके बगल में ही, इसी में ही मोसो विलेज आता है। तो यहां की घटना है, स्टेट का नाम है काया स्टेट, जहां पे रिफ्यूजी जो है वो यहां पे कैंप बने हुए हैं, ठीक है, यहां पे रिफ्यूजी जाते हैं, आर्मी इनको ढूंढ ढूंढ के मारती है, ढूंढ ढूंढ के आर्मी मारती है, क्योंकि ये रिबेल्स, इनका मानना है कि रिबेल्स है, ये हमको अपोज करते हैं, तो आर्मी इनको बहुत ब्रूटैलिटी करती है, पकड़ पकड़ के मारती है। तो जब सोशल मीडिया पे ये जो फोटोज वायरल हुए तो सबका खून खौल गया दोस्तों, कि यार इतने हद पार कर सकते हैं ये देख सकते हैं ना, ये फोटोज, इस पूरी ट्रक को जला दिया गया, जा रहे थे जिंदा जला दिया, बताइए। तो ये चीज है। तो अब यहां पे ये भी बोला है कि इसको देखिए इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन 30 से ज्यादा लोग तीन व्हीकल्स में इन ट्रकों में 30 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया, तो इट्स अ मसाकर। अब जब हम वहां पे गए इस सुबह, हमने देखा कि दो ट्रकों में लाश जो है, शव जो है भरे पड़े हैं, 27 डेड बॉडीज हमको मिली है, 27 स्कल्स मिली है। एक और विटनेस ने बोला कि भाई देखो, मेरा नाम मत लेना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये सब बेगुनाह थे, इसमें बहुत सारे बच्चे औरतें थी, उनको मारा गया है, हु डिड नॉट वॉन्ट टू बी नेम्ड। उन्होंने वही बोला कि और भी बहुत सारी डेड बॉडीज थी ट्रक में, लोगों को काट डाला गया है, जला के काट डाला, जो जिंदा बच गए थे उनको काट डाला, गोली मार दी, ऐसा हुआ है। सेव द चिल्ड्रन ने बोला है कि भाई हमारा जो स्टाफ है वो मिसिंग है। तो ये कहानी थी दोस्तों, म्यांमार में बहुत बुरी हालत हो गई है, म्यांमार में जो जेनोसाइड और जो नरसंहार चल रहा है वो खतरनाक लेवल पे गए चला गया है। वेस्ट तो सैंक्शंस लगाएगा लेकिन म्यांमार को कभी इससे फर्क नहीं पड़ता, जुंटा पार्टी को इसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दुनिया भर में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट में आपने देखा कि दुनिया भर की डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन पे है, जहां पे जमहूरियत है, जहां पे लोकतंत्र है, वो डिक्लाइन कर रही है, मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो काबिज होती जा रही है, और ये किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा फ्रीडम मिले। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।